नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, बोला फिजी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में फिजी एंड फोकस, और मैं हूं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्क्यूम नेशंस। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे। इस हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे अडॉप्ट किया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडियन ऑन अगस्त 15, 1947, जो कि हम हर साल मनाते हैं। सो आप सबको भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जनवरी 15 को जो है वो बेल जो है लेट्स टॉक डे, इसलिए इट्स अ डे जब हम फंड रेज करते हैं फॉर द यूथ, बिकॉज जो यूथ हैं वो क्राइसिस जो है उसको देखने के लिए, जिससे अगर हमारा यूथ पर किसी तरह किसी भी कोई बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी की फ़ोन कॉल्स और फीडबैक का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं बहुत जल्दी। I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Kraft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Arvind's Korean Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pyle Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated two halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859, and they will do all kind of services at your home. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर की फिजी की न्यूज़ लेकर आ चुके हैं विक प्रसाद जी। नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैंकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज के साथ मैं हूँ विक प्रसाद। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और फिजी फर्स्ट सेक्रेटरी एआर सैयद कयूम का कहना है कि कॉलिशन गवर्नमेंट द्वारा संविधान पर हमला हुआ है। शनिवार दोपहर सैयद कयूम का दावा है कि सरकार ने कई प्रोसीजर्स को ब्रीच किया है जो संविधान में निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं। उनका आरोप है कि संविधान पर हमला हुआ है। उनका कहना है कि संविधान सुप्रीम लॉ है और ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो इसे रद्द कर सके। पूर्व एजी का कहना है कि संसद के थ्री क्वार्टर्स लोगों के सहमत होने पर और थ्री क्वार्टर रजिस्टर्ड वोटर्स के भी इससे सहमत होने के अलावा संविधान में संशोधन करने में कोई दूसरा तरीका नहीं है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल सिरोमी तुरंगा का खंडन किया है, जिनके साथ उनका दावा है कि संविधान को बदलने के लिए अन्य प्रक्रियाओं हो सकती है। फोमा अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि उनका दावा है कि संविधान के तहत नागरिकों को फिजियन के रूप में भी स्वीकार करने में प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका की फेलिया है। उनका दावा है कि संविधान सेक्शन 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी नागरिकों को फिजियन के रूप में जाना चाहिए। मिनिस्टर फॉर लैंड्स फिलिमोनी वसरोंगो ने फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एंड फिजी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी एआर सैयद कयूम के बयान का खंडन किया है। वसरोंगो ने एक बयान में दावा किया है कि पूर्व अटॉर्नी जनरल ने खुले तौर पर
और आक्रमण रूप से 1997 के संविधान पर हमला किया है। वो आगे कहते हैं कि सैयद कयूम ने यश घाई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया है। उनका दावा है कि सैयद कयूम ने खुद 2013 में फिजी के लिए इस संविधान की स्थापना की थी। उन्होंने पूर्व एजी से कहा है कि अच्छे और बुरे ड्राफ्टिंग के बीच अंतर बताने के लिए किसी को वकील होने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि पूर्व अटॉर्नी जनरल अब हमलावर है और उनके बयान से जनता एक बार फिर से पीड़ित है। सैयद कयूम का दावा है कि सरकार ने पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की है जो संविधान में निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती है। अटॉर्नी जनरल सिरोमी तुरंगा का कहना है कि सरकार कर्मचारियों को गलत तरीके से बर्खास्त नहीं करेगी। उन्होंने फिर दोहराया है कि इस देश में सरकार कानून के मुताबिक ही चलेगी। तुरंगा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमारे देश के लिए कानून बनाते समय सांसदों को सतर्क रहना चाहिए और वह इस पर भी सुनिश्चित करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर और फेयरनेस बनी रहे। तुरंगा कहते हैं कि देश में उत्साह की भावना है और यह स्पष्ट हो गया है क्योंकि उनके प्रोविंस लोमाइविति के लोगों ने उनकी नियुक्ति के और उनके बेटे के लिए 21st जन्मदिन के लिए एक डबल सेलिब्रेशन की मेज़बानी किया था। 6 लोगों को इलिसिट ड्रग्स रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है जब पुलिस ने ड्रग ऑपरेशन जारी किया। एक 36 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर को इस हफ्ते की शुरुआत में रायवांगा में गिरफ्तार किया गया था जबकि कथित तौर पर जिपलॉक बैग में पाए गए कुछ सफ़ेद पदार्थ पाए गए थे जिसे मेटफेन माना जाता है। चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ACP लिवाई ड्रिव का कहना है कि यह भी आरोप लगाया गया है कि सूखे पत्ते भी उनके कब्जे में पाए गए जिन्हें मेरुआना माना जाता है। एक्टिंग ACP ड्रिव का कहना है कि अन्य गिरफ्तारियों नेतसिरी इलाके में हुई है। पहली गिरफ्तारी वाइताम्बू सेटलमेंट में की गई जहां एक 27 वर्षीय व्यक्ति को मेरुआना के पौधे के साथ पाया गया था। वाइताम्बू सेटलमेंट में एक और 49 वर्षीय किसान को भी गिरफ्तार किया गया जब माना जाता है कि उसके कब्जे में मेरुआना के पौधे पाए गए हैं। नॉर्दर्न डिवीजन में लंबासा टास्क फोर्स ने इलिसिट ड्रग ट्रेड में भी शामिल लोगों को गिरफ्तार करना जारी रखा है। मेरुआना माने जाने वाले सूखे पत्ते की खोज के बाद 19 और 23 वर्ष की आयु के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक 25 वर्षीय किसान को शुक्रवार को सेंगांगा में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास कथित रूप से सूखे पत्ते के कई पाउच पाए गए थे जिन्हें मेरुआना माना जाता है। सभी जब्त पौधे और पदार्थों को जांच के लिए भेजा गया है। अटॉर्नी जनरल सिरोमी तुरंगा का कहना है कि सरकार अभी भी मर्सी कमीशन के बारे में कुछ प्रक्रियाओं पर काम कर रही है। उनका कहना है कि कमीशन के बारे में और टिप्पणी करना असंभव है क्योंकि प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल होती है और राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेते हैं। तुरंगा का कहना है कि फैसला आने के बाद वह घोषणा कर पाएंगे। तुरंगा ने अफवाहों को खारिज कर दिया है कि 2000 कू के नेता जॉर्ज स्पेट को नंबोरो मैक्सिमम फैसिलिटी से मीडियम सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में रिलोकेट कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि उन्हें इस मुद्दे के बारे में फिजी कोरेक्शंस सर्विस अथॉरिटीज को कोई स्पष्ट नहीं मिली है। देशद्रोह के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद जॉर्ज स्पेट ने 20 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। फिजी फर्स्ट लीडर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन वोरेंगे बाइनिमारामा के खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। फेमिनिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शमीमा अली ने 1 और 4 जनवरी 2023 को फिजी फर्स्ट फेसबुक पेज पर लाइव वीडियो पर दिए गए बयानों के लिए बाइनिमारामा के खिलाफ सोमवार सुबह तोतोंगो पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज किया है। अली का आरोप है कि बाइनिमारामा के बयानों का उद्देश्य पब्लिक अलार्म, चिंता, असंतोष और दुर्भावना इरादे से था। बाइनिमारामा के खिलाफ इस महीने की 6 तारीख को पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई थी। पुलिस कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल सितिवेनी गिलिहोई ने पुष्टि की है कि रिपोर्ट तोतोंगो पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। माना जाता है कि पहली शिकायत भी फिजी फर्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्टिंग के संबंध में ही थी।
देश विदेश की खबरों में एजुकेशन मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस अब न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मिस्टर हिपकिंस ने जेसिंडा आर्डन की जगह पर लिया है, जिन्होंने 5 मिलियन लोगों के देश को झटका दिया जब उन्होंने थर्सडे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने 14 अक्टूबर को देश में चुनाव की मांग की है। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर जेसिंडा आर्डन का अंतिम दिन 7 फरवरी रहेगा। उन्होंने 5.5 साल तक देश की सेवा किया है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। शनिवार दोपहर न्यू वेस्टमिंस्टर स्काई ट्रेन स्टेशन की दुकानों के भीतर छुरा घोंपने के बाद एक व्यक्ति को गंभीर चोटें के साथ अस्पताल पहुंचाई गई। ट्रांजिट पुलिस ने एक बयान में कहा है कि पीड़ित की हालत स्थिर है और घटना के दौरान किसी और को चोट नहीं आई है। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ खेलकूद की जगत की जानकारी। फिजी में 2023 फुटबॉल सीजन शुरू होने जा रहा है। पिले गार्मेंट्स चैंपियन वर्सेस चैंपियन सीरीज रेवा और सुवा के बीच में होने जा रहा है। पहला लेग रविवार फरवरी 5 को रातु दकम्बाउ पार्क में होगा और दूसरा लेग फरवरी 12 को HFC स्टेडियम में होगा। HSBC के अंतर्गत हैमिल्टन सेवंस इस सप्ताह जारी रहा। पूल प्ले में फिजी का पहला खेल फ्रांस से हुआ, जिसमें फिजी की जीत 26-10 से हुआ। फिजी ने कीनिया को 21-7 से पराजित किया और फिजी और सामुआ के बीच में जो खेल हुआ उसमें फिजी ने सामुआ को 22-12 से पराजित करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाया। क्वार्टर फाइनल में फिजी की हार अर्जेंटीना से 19-10 से हुआ। अन्य क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका की हार फ्रांस से 22-17 से हुआ और यूएसए की जीत ऑस्ट्रेलिया से 28-14 से हुआ। न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच में न्यूजीलैंड की शानदार जीत 10-5 से हुआ। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और फ्रांस के बीच में जो खेल हुआ उसमें न्यूजीलैंड ने 38-0 से फ्रांस को पराजित किया। अर्जेंटीना की जीत यूएसए से 24-14 से हुआ और फाइनल के अंतर्गत न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना के बीच में जो फाइनल हुआ उसमें अर्जेंटीना की शानदार जीत न्यूजीलैंड से 14-12 से हुआ और इस प्रकार से गोल्ड मेडल जाता है अर्जेंटीना को। आने वाले सप्ताह सिडनी सेवंस होने को है। फिजी अब 8th पोजीशन पर स्टैंडिंग्स में आ गया है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई भी लोकल न्यूज़ है और आप न्यूज़ को हमारे साथ किसी भी न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप विक को कॉल कर सकते हैं, जो हमारे स्टूडियो में हैं उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद जी, जो कि फिजी एम्बेसडर टू कैनेडा, USA एंड मैक्सिको। ही इज़ ऑल्सो द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजी टू यूनाइटेड नेशंस। ही इज़ स्टेशन्ड इन न्यूयॉर्क। हैव अ लुक। जी हाँ दोस्तों, आप फिजी इन फोकस को देख रहे हैं और हमारे स्टूडियोज में एक बहुत स्पेशल गेस्ट को हमने आज इन्वाइट किया है। ही इज़ एक्सलेंसी डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद। He is Fiji's ambassador and permanent representation to the United Nations. So, Dr. Prasad ji, bahut bahut shukriya aap aaye yahan par aur hamare studios mein ek bar fir se aaye, jo darshak dekh rahe hain, aur happy new year to you and to your staff and your team. Thank you. Namaskar Kamila ji aur sabhi Fiji in Focus program ke aapka listeners ko hamara happy new year. It's great to be back in your studios and back in Vancouver. Look forward to a good conversation with you. Uh-huh. And again, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी लग रहा है आपका प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है। फिजी फोकस प्रोग्राम में मैं अभी कुछ 5-6 दिन से यहाँ वैंकूवर में हूँ। बहुत लोग से मिलता हूँ जो आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और काफ़ी लोग मुझे बताए कि वो दे लुक फॉरवर्ड टू आपका प्रोग्राम वेंसडे या जिस रोज को लगता है। तो दैट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपके टेक्निकल टीम का और प्लीज कीप अप दिस ग्रेट वर्क कि हमारे फिजियन कम्युनिटी को यहाँ वैंकूवर में बट बियॉन्ड वैंकूवर जोड़ के रखने में और कीप देम इनफॉर्मड कि फिजी कनाडा में क्या क्या हो रहा है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी आपने तो बात भी किया होगा, ये तो शॉक तो नहीं है, लेकिन देयर वाज इलेक्शन दिसंबर में और अब नई गवर्नमेंट फिजी में आ गई है।
दे आर कोलिशन गवर्नमेंट, तीन चार पार्टी होकर एक गवर्नमेंट को अभी फॉर्म किया है. सो यू हैव बीन स्पीकिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, आप बात कर रहे हैं उनसे, उनका क्या विचार है, व्हाट आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस गोना हैपन. यू नो एक गवर्नमेंट था 16 इयर्स, तो उसका अपना एजेंडा था ना, अभी नया गवर्नमेंट आया है तो उसका अपना एजेंडा है. सो व्हाट डज द पीपल, और जब आप बात करते हैं, व्हाट डू यू फील? पहला बार तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिजी में बहुत सक्सेसफुल इलेक्शंस हुआ, बहुत लोग कुछ 70% से थोड़ा कम लोग पार्टिसिपेट किए, इसके मतलब कि कनाडा से ज़्यादा लोग वोट किए फिजी में, तो बहुत अच्छी तरह पीपल टर्नड अप, वेदर वगैरह भी ठीक था. हमारा तीसरा इलेक्शन था 2013 कॉन्स्टिट्यूशन पे, और पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूशन पे सरकार बदला है, ये बहुत ठीक बात है कि सरकार को बदलना चाहिए. और ये कोलिशन सरकार है, इसमें तीन पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स अलायंस पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर रेम्बुका जी का पार्टी है, और नेशनल फेडरेशन पार्टी जो बिमान प्रसाद जिसका लीडर है, और सोडेलपा पार्टी तीसरा पार्टी है जिसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का वो का लीडर. तो तीन पार्टी मिल के कोलिशन सरकार बनाए हैं, और कनाडा में आप लोग बहुत फेमिलियर हो कोलिशन सरकार का और ये सिंगल पार्टी का गवर्नमेंट नहीं, तो इससे थोड़ा बदलाव आएगा ना, तो दो तीन पार्टी मिल के काम करना पड़ेगा. तो और उसका ऑन खूबी है और थोड़ा वीकनेस भी हो सकता है शायद. खास अभी सरकार तो नया है, लेकिन मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट कर रहा है. जो लोग फिजी का न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे उस वो देखे होंगे कि ये भी हमारा नया स्कूल टर्म शुरू होने वाला है. और जैसे कनाडा में, दुनिया भर में ये महंगाई बहुत प्रॉब्लम है, चीज़ों का दाम बहुत चढ़ गया है बिकॉज ट्रेड डिसरप्शंस के कारण. तो पहला मेजर अनाउंसमेंट था कि सभी बच्चों को, उनका पेरेंट्स को $200 दिया जा रहा है, और आपके पास अगर तीन बच्चे हैं स्कूल जो जा रहे हैं तो $600 रहेगा, कि थोड़ा सहायता मिले बच्चों को नया स्कूल ईयर को स्टार्ट करने के लिए. तो ये एक मेजर पॉलिसी हो गया. दूसरा पॉलिसी, पुरानी सरकार ने जो सिविल सर्विस है गवर्नमेंट का जो लोग काम कर रहे हैं उसमें रिटायरमेंट एज 55 का था, और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि बहुत लो रिटायरमेंट एज है 55, और हमारे जो एक्सपीरियंस पीपल को हम बहुत जल्द रिटायर कर देते हैं. और दूसरा कि 55 तक लोग अपना पेंशन जो है वो उतना बढ़ा नहीं सकते रिटायरमेंट के लिए. जी, तो बहुत जल्द पिछले हफ्ता मेरे ख्याल से गवर्नमेंट रिटायरमेंट एज इस साल से 60 इयर्स कर दिया, जहाँ पर पहले था. तो ये एक दूसरा. तीसरा, कनाडा में अभी ये प्रॉब्लम है, हमारे पुराने सरकार प्राइम मिनिस्टर बाइनीमरामा के नीचे सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी जाने के लिए या स्कॉलरशिप मिलता था या आप लोन ले सकते थे. और अगर आप लोन लेते हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने के लिए तो उसको फिर धीरे धीरे भरना पड़ता है. हमारा यहाँ भी वैसे है कि आप लोन अप्लाई कर से इस इंटरेस्ट फ्री लोन. जब आप ग्रेजुएट होकर काम करने लगेंगे तो व्हाटएवर यू कैन अफोर्ड $100-$200 यू कीप पेइंग, बट नो इंटरेस्ट एंड डजंट हैव अ डेडलाइन. अच्छा, तो कुछ उसी तरह थोड़ा वेरिएशन में था, लेकिन बहुत लोगों को और पेरेंट्स को बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है कि शायद उतना जल्द उनको नौकरी नहीं मिलता. तीन चार साल काफ़ी लड़कों को, हमारे तो कनाडा की तरह आए नहीं ढेर इकोनॉमिक ड्राइवर्स है, तो तीन चार साल तक उनका लोन पेमेंट करना पड़ता है लेकिन नौकरी नहीं है. तो इस पे अभी सरकार ने पॉलिसी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अभी काम हो रहा है, और मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में अगले दो तीन हफ्ते में कुछ नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेगा, जिसमें जो जो लोग को, बच्चे लोग को
बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं अपना लोन सर्विसिंग करने के, उसको कुछ सहायता मिल सके। तो इस तरह के तमाम पॉलिसी और प्रोग्राम्स नया सरकार बना रहा है, अब एक ही महीना हुआ है और अगले एक दो महीने में ये सब पॉलिसीज और रिफाइंड हो जाएगा और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो सभी लोग खुश है, बहुत स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में और हमारा टूरिज्म रिकवरी तेजी से चल रहा है। दिसंबर में हमारा रिकॉर्ड टूरिज्म था और हम सभी समय में आपसे बात करता हूँ तो मैं अपने डायस्पोरा जो फिजी का लोग हैं उनसे डायरेक्टली कहता हूँ और आपके कैनेडियन दोस्तों को कि फिजी इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, आप लोग सोचे वहाँ पर बिजनेस करने के लिए और इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और मैं आशा करता हूँ कि मोर कैनेडियन इन्वेस्टर्स भी अब फिजी को देखेंगे वेरी पॉजिटिवली। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, अब तो देखो फिजी एयरवेज हफ्ते में दो बार यहाँ से जा रहा है, उधर से लोग भी आ रहे हैं, अभी तो जल्दी ही शुरू हुआ है नवंबर में, तो क्या आपको कुछ पता है कि इज द प्लेन दैट इज लीविंग फ्रॉम हियर वो फुल जाता है कि उनको अभी द मार्केट इज देयर? जी, फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किए फिजी एयरवेज को और ये बहुत बिग बोल्ड मूव है, आपको मालूम होगा बहुत देश इतना दूर प्लेन नहीं उड़ा सकते ना, और छोटा देश को इतना दूर प्लेन उड़ाना इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट और कि मार्केट तेज तेज रहेगा। तो नया मार्केट है, नवंबर में पहला कमर्शियल फ्लाइट आया और टू फ्लाइट्स पे वीक है। अब अभी तक मार्केट स्ट्रॉन्ग है, फिजी एक एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है कैनेडियंस के लिए और ब्रिटिश कोलंबिया खास करके, और यहाँ के लोगों को अच्छा नॉलेज है वो कैरिबियन मार्केट का ना। फिजी एक अलग डेस्टिनेशन है और ऐसे तो नहीं कि यहाँ से कैरिबियन से कुछ दूर कम लगभग सेम टाइम यहाँ से लगता है जाने को, तो बहुत वी आर वेरी सेटिस्फाइड। फिजी एयरवेज का जो फ्लाइट चल रहा है वो डिमांड जो कनाडा में है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, सिर्फ कनाडा नहीं, आपको मैं बता दूं कि लोग जैसे यूके वगैरह से आते हैं फिजी जाने के लिए, वो दे पिकअप द फिजी एयरवेज फ्लाइट यहाँ पर, ये भी हमारा थ्रू ट्रैफिक भी हो रहा। और लेकिन एक बात है कि दो फ्लाइट्स हफ्ते में ठीक है मार्केट प्रेजेंस के लिए, बट उसको धीरे धीरे तीन या चार फ्लाइट पे वीक करना पड़ेगा तो और अच्छा डिमांड क्रिएट करेगा। तो मैं सभी फिजी के आपका लिसनर्स को एक बार फिर से कहूँगा कि प्लीज यू नो फिजी एयरवेज इज देयर, टेक अ फ्लाइट बैक होम, यहाँ से सिर्फ 10-10.5 घंटा है, यू वेक अप इन ब्यूटीफुल कैंडी डायरेक्ट, नो फूड इज सो गुड, ये तो सवाल ही नहीं, इट्स अ फैंटास्टिक एयरलाइन और यू एट होम ऑलरेडी व्हेन यू गेट ऑन फिजी एयरवेज। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं फिजी एयरवेज में वो शायद फील कर लिए होंगे कि अब हमारा आप सभी का कुछ रिलेटिव शायद ऑस्ट्रेलिया में होगा या न्यूजीलैंड में होगा ऐसे, तो लोग फिजी एयरवेज में जाते हैं, यहाँ से फिजी में अपना छुट्टियां मनाते हैं, वहां से फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाते हैं या फिजी जाते हैं, वहां से न्यूजीलैंड फिर लौट के घूम के ऐसे दो तीन, तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अगर शादी वगैरह में जाना है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तो फिजी में 4-5 रोज होते हुए जाइए, हमारा भी इकोनॉमी बढ़ेगा, आपको भी खुशी मिलेगा और खूब अच्छा से खा पी के रिश्तेदारों से मिलजुल के लौट के आइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से जैसे फिजी है वो इसको सपोर्ट करते आए उसको सपोर्ट करेंगे और इससे हमारे दोनों देश के बीच में भी रिश्तेदारी बहुत मजबूत होगा। और ये भी मैं बता दूं कमीला जी कि आपका सरकार कैनेडियन सरकार ने रिश्योरेंस दिया कि इस साल वो अपना हाई कमीशन फिजी में खोलेगा। ओह गुड, दैट इज गुड, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टू। तो वहां पर वीजा प्रोसेसिंग रिसेसिंग जो हमारे लोग आना चाहते हैं फ्यूनरल वगैरह में या स्कूलिंग के लिए समथिंग, सो दैट्स वेरी वेरी गुड न्यूज़ है।
अच्छा डॉक्टर साहब जी, अब हम यहाँ पर आज का जो ये इंटरव्यू इसको बंद करते हैं, इसके बारे में फिर हम आगे चलकर और किसी विषय में बात करेंगे। थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास हर बार की तरह कुछ बार पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स भी हैं, चलिए सुनते हैं। Bell's Let's Talk Day is on January 25th. It is an annual mental health initiative that's focused on how we can support ourselves and those in our community by listening, talking, and being there for one another. So let's all participate in this event. Then Chop Suey Food Drive, Chicken Chop Suey Food Drive, in aid of girls soccer team is taking place on Saturday, February 4th, 2023 at 8474116 A Street in Delta from 12 until 4 p.m. Jo cost hai, it's just $10 each, and jo bhi cost katti hogi, that will proceed to go to the girls soccer team to Fiji in July 2023. For tickets and more information, please call Ronald at 604-789-8885. Jo Bullish Academy hai of Canada is inviting you all on the Saturday, January 28th at 5:30 p.m. at 102-868-128th Street in Surrey. Please join us on this sacred night of prayers with your family and friends. Refreshment will be served as well. ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 604-760-0096 और 604-716-6797. There is one more announcement. Rug by Sevens will be at BC Place from March 3 to 5. There will be over 60,000 fans, 352 players and 28 teams playing. It will be an epic weekend. So, apni tickets ko reserve kare. Tickets at canadasevens.com. February 6 को पिक सोसाइटी का मेगा जॉब फेयर जो है वो होने जा रहा है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM एट इटालियन कल्चरल सेंटर इन वैनकूवर 3075 स्लॉकन स्ट्रीट इन वैनकूवर। देयर विल बी ओवर 100 एग्जीबिटर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी अटेंडिंग दिस जॉब फेयर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल लिली झड्राल एट 604-596-7722। ये पिक्स का नंबर और लिली जी की एक्सटेंशन है 331। अब हमारे पास इतना ही समय था, सो हमें इजाज़त दीजिए। आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने इस शो को हमेशा प्यार देते रहें। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं थर्सडे को एट 2:30 PM एंड ऑन संडेज़ एट 4 PM वैनकूवर टाइम ऑन चैनल 4 एंड देन इन कैलगरी एट 5 PM ऑन चैनल 10। आप यूट्यूब पर भी हमारे इस चैनल फिजियन फोकस को देख सकते हैं। प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड नॉट फॉरगॉट टू शेयर ऑल्सो। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूजडे एट 10 PM ओनली ऑन शॉ। मैं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा, धन्यवाद।